कशकर जी, मैं ठीक ठाक, खैरियत। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ओके। बताएं भाई, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? जी जी, कुरान आप पढ़ लें, नमाज पढ़ लें। यस, बी मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनमें से जो मेजोरिटी निकाली जाती है दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। ओके, और जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है यस एग्जैक्टली एब्सोल्युटली द मेजोरिटी फ्रॉम द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस टू यस एग्जैक्टली ऑल द मेंबर्स जो हैं उसको काउंट किया जाता है, उसमें से मेजोरिटी काउंट की जाती है। आसान था, कोई मुश्किल तो नहीं था उसमें, उसमें कोई सवाल तो नहीं है। चैट बड़ी कर लीजिए। हमारा वो नहीं करनी, जो मैंने करवाया उसी पे स्टिक करना है आपको, दूसरा नहीं करना। एक सवाल है जी, अगर उस दिन सारे मेंबर्स ना हो तो डिसीजन नहीं होगा, मेजोरिटी अचीव ही नहीं होगी। देखें, ये मेंबर्स चाहिए होते हैं उतने ज्यादा, अगर उस दिन मेंबर्स उतने ना हो, मिसाल के तौर पाकिस्तान में 342 का हाउस है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए 172 चाहिए और उस दिन लोग 150 मौजूद हों, तो मेजोरिटी तो अचीव ना हुई ना, डिसीजन नहीं होगा जो होगा। सो सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, आप जरा प्लीज जी एग्जैक्टली उस्मान ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे जरा प्लीज। अब मैं जरा एक छोटी सी कंफ्यूजन कर रहा हूँ, कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। अब मेरा सवाल गौर से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा, एक एक वर्ड पे गौर करना है। जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा, यह नहीं बताऊंगा क्या मिलेगा लेकिन इनाम मिलेगा आपको। ये इसलिए यू हैव जस्ट 1 मिनट टू आंसर, ये भी बता रहा हूं, 1 मिनट में ठीक आंसर देना। क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन एक दफा दोबारा रिपीट भी करूंगा, सिर्फ एक दफा और। क्वेश्चन ये है, आपको सिंपल मेजोरिटी का मीनिंग आते हैं सारे के सारे, मिनिमम पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं 342। पाकिस्तान में लॉ पास करने के लिए, आम लॉ पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है दोज हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चाहिए होती है। पाकिस्तान की असेंबली का कोरम है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1/4 मेंबर्स हैं, आई गेस 1/4 मेंबर्स हैं। सो फर्ज करें कोरम पूरा है, यानी कोरम पूरा है, इजलास ऑफिशियली हो सकता है। अब मिनिमम मिनिमम कितने वोट से ला पास हो सकता है पाकिस्तान के अंदर? अभी जवाब ना दीजिएगा, मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूं। पाकिस्तान में ला पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ला पास करने के लिए, इसलिए मुझे हमजा भी जवाब नहीं देना, ला पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए और फर्ज करें कोरम पूरा है, यानी इजलास पूरा हो रहा है, जो भी नंबर हैं 60, 70, 80 जितने भी चाहिए होते हैं, अब कोरम पूरा है, फर्ज करें 100 का कोरम है लेकिन पूरा है। मेरा सवाल यह है, मिनिमम मिनिमम कितने वोट चाहिए, मैक्सिमम नहीं कह रहा, मिनिमम कितने वोट चाहिए टू पास अ लॉ? अब नंबर बताने हैं आपने, नंबर डिपेंड का नहीं बताना, नंबर सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सारे आप मेरे नाम से वापस चले गए, सारे हार गए, ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग। अमीर अब्दुल्ला दोबारा पुट करना, दोबारा करना, मिनिमम मिनिमम अहमद जिशान मिनिमम
अमीर अब्दुल्ला साहब का जवाब दोबारा नहीं आया. नो इट्स नॉट अ ट्रिक क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन वोट कास्ट. मुझे नंबर चाहिए अमीर हमजा, आई नीड ए नंबर एंड द आंसर इज ए नंबर. वन वाले ठीक हैं जी, जायदा ने शुरू किया था पहला, वन इज करेक्ट आंसर. और वन इज द करेक्ट आंसर. और बाकी बच्चे भी हैं, एक जायदा अपनी और भी बच्चे हैं, काफी सारे बच्चों ने किया, जाजेब ने कहा, नोमान ने कहा. एक्सप्लेन करता हूँ जी जरा कैसे, बल्कि मैं क्यों करूँ, आप लोग एक्सप्लेन करें जिन्होंने एक लिखा है, जरा पता तो चले क्यों सड़ा. हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा मेरा सवाल सुनिएगा, फर्ज करें 342 मेंबर्स हैं, अब सुनिएगा जी प्लीज सारे, 342 मेंबर्स हैं, उस दिन 150 मौजूद होते हैं, 150 आर प्रेजेंट, लेट्स सपोज 150 में से 149 वोट नहीं डालते, मौजूद हैं वोट नहीं डालते, एक ही बंदा वोट डालता है. कोरम भी पूरा, दोस्त एग्जैक्टली, इट इज सर्कमस्टेंशियल बट इट इज अ फैक्ट. मैंने इसी पूछा मिनिमम कितने चाहिए होते हैं. अब ये समझ आ गई सबको, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है. अमीर हमजा आप लास्ट है ना, तो ला वाले कोई इसमें से निकालें, कोई गलती निकालें मेरी कोई. एग्जैक्टली अच्छा अब ये इट्स नॉट अ वर्ड्स गेम इधर, फॉरम वर्ड की गेम भी नहीं है, कॉन्सेप्ट की गेम है, कॉन्सेप्ट की गेम है. मिनिमम नहीं आमना, कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर्स दैट नीड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, नॉट वोटिंग. जी जी वेरी एग्जैक्टली एग्जैक्टली फायदा, इट्स इम्प्रॉबल बट लीगल. एग्जैक्टली ट्रू ट्रू. अच्छा अब होता क्या है, मैं क्यों ये बात की, एमए नहीं मैंने बात की हवा में, इसके पीछे एक रीजन है. कल मैंने आपको कुछ फंक्शन लिखवाए थे लेजिस्लेचर के, अगर आपको याद हो, लॉ मेकिंग, लॉ अमेंडमेंट, लॉ रिपीलिंग. उसके बाद हमने बाद में बात की और चीज़ों की बात की, जैसे हमने बात की वॉर की बात की, फाइनेंस की बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की, इम्पीचमेंट की बात की, और फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस वगैरह की बात की, और अकाउंटेबिलिटी की बात की. डिफरेंट फंक्शन हमने कल पढ़े. अच्छा मैंने आपको उसमें से कहा था कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और नो कॉन्फिडेंस है, उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, हाउ मच मेजोरिटी इज नीडेड. जोकर पाकिस्तान के सेंस में नहीं, उस्मान सॉरी पाकिस्तान के सेंस में नहीं, 142 असद पाकिस्तान के सेंस में, जनरली बात करता हूं, उसके लिए चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी. एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज नीडेड. ठीक है, नंबर्स ना बताइएगा, बिकॉज मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अब मैं जनरली बात कर रहा हूं. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज नीडेड, 50% प्लस वन ऑफ द टोटल मेंबर्स. अच्छा एक चीज तो ये ध्यान रख लें, तो आप, लेकिन मेरा सवाल ये है, लॉ मेकिंग के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है. आमतौर पर पार्लियामेंट्री स्टेट्स में लॉ मेकिंग के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, हर मुल्क में नहीं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लॉ मेकिंग के लिए सिंपल मेजॉरिटी. अच्छा अब अगर किसी मुल्क में सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, तो मिनिमम कितने वोट चाहिए लॉ पास करने के लिए. वन. तो मैं अगर दूसरे लफ्जों में कहूं, अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लॉ मेकिंग करना आसान होता है या मुश्किल होता है. इजी. ये जुमला समझाने के लिए मुझे वो कहानी डालनी पड़ी, इनाम का ऐलान करना पड़ा जो मैंने देना नहीं था, बट ऐलान करना पड़ा सॉर्ट ऑफ. सो द पॉइंट इज कहना ये चाह रहा हूँ कि सिंपल मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, वो सिस्टम फ्लेक्सिबल होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, और वो सिस्टम ईजी होता है वहाँ पर करना. तैमूर ने सवाल पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लो राउज करता है, वाई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी देन सर,
ताकि आसानी से हटाया ना जा सके। देखें अगर आप अगर आप प्राइम मिनिस्टर को हटाना और डिसमिस करना सिंपल मेजोरिटी पे रख दें तो एक मेंबर को अख्तियार मिल जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। तो डू यू थिंक दैट इट विल बी लॉजिकल? ऑब्वियसली नॉट। धांधली नहीं हुई, ये धांधली नहीं हुई, ये डिक्टेटरशिप है। आई डू नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी, तो इसलिए डिक्टेटरशिप। ओके लेट्स मूव जी, हम थोड़ा आगे चलते हैं। सर यहाँ एक मेजोरिटी और भी है और वो है स्पेशल मेजोरिटी। अच्छा स्पेशल आंसर निशान, याद रखिए जी, लॉ कोई भी पार्टी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है, अपोजिशन का मेंबर, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस द लॉ, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है। अच्छा नाउ कमिंग टू द स्पेशल मेजोरिटी कॉन्सेप्ट, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है व्हेन मेजोरिटी इज मोर देन 50%। हाँ मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मेजोरिटी से हमने कल निकाला था सिंपल हो या एब्सोल्यूट हो, दैट वाज 50% प्लस वन, कुछ भी नहीं हुआ, हमने अभी शुरू किया। स्पेशल मेजोरिटी मींस व्हेन मेजोरिटी इज मोर देन 50%, यानी आप ये कहें कि किसी भी डिसीजन के लिए इफ 60% मेजोरिटी इज नीडेड, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें इफ 75% मेजोरिटी इज नीडेड, देन दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी। आमतौर पर स्पेशल मेजोरिटी दो तरह से होती है, 2/3 मेजोरिटी और 3/4 मेजोरिटी। 2/3 कितने परसेंट होता है मैं अभी बताता हूँ कहाँ पे होती है, बट मुझे बताएं 2/3 कितने परसेंट होता है, हाउ मच इज दिस परसेंट? यस 66.67% होता है जी, अप्रॉक्सीमेटली ट्रू। और 3/4 कितना होता है? 75%। तो 50% से ऊपर कोई भी मेजॉरिटी चाहिए हो उसको हम कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अब अगला सवाल कि ये मेजॉरिटी जो स्पेशल होती है 2/3 या 3/4, इज इट काउंटेड फ्रॉम दोज हु कास्ट अ वोट और फ्रॉम एब्सोल्यूट नंबर्स? तो ये मेजॉरिटी हमेशा एब्सोल्यूट से होती है, मतलब ऑल में से काउंट की जाती है, टोटल मेंबरशिप में से काउंट की जाती है, नॉट प्रेजेंट नॉट वोटिंग, टोटल मेंबरशिप। सो पाकिस्तान के 342 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, बेशक 200 लोग वोट डाल रहे हों तो जब 2/3 चाहिए होगी तो हम टोटल मेंबरशिप में से निकालेंगे। नॉट नंबर्स आर डिफाइंड उस्मान, परसेंटेज इज डिफाइंड। परसेंटेज कितनी है? 2/3। 2/3 ऑफ हाउ मेनी पीपल? ऑफ ऑल द मेंबर्स। 2/3 ऑफ ऑल द आर द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, और 3/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप इज कॉल्ड 3/4 मेजोरिटी। इज इट क्लियर? ओके फाइन। अब स्पेशल मेजोरिटी कहां चाहिए होती है? यूजुअली स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूजुअली गलत से इस्तेमाल कर रहा हूं, नॉट ऑलवेज, यूजुअली स्पेशल मेजोरिटी कोई भी हो सकती है, इज नीडेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इंपीचमेंट्स। इंपीचमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आमतौर पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। अब वो किस मुल्क में क्या है इस पे नहीं जाएंगे डिटेल में, वो बाद में जाके पढ़ेंगे, बट यूजुअली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए और इम्पीचमेंट करने के लिए। ये आप जनरली पॉइंट में रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट था जी मेजोरिटीज का जिसको मैंने एलेबरेट कर दिया। लेट्स गो टू एग्जीक्यूटिव टुडे, एग्जीक्यूटिव पे चलते हैं। इट्स अ सेकेंड ऑर्गन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, आपसे पूछ रहा हूं, एग्जीक्यूटिव स्टेट का ऑर्गन है या गवर्नमेंट का है? गवर्नमेंट का है। इट्स अ सेकेंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड एज पर, अच्छा
ये जो जिस हमने पहले जिक्र किया था कि पहला लेजिस्लेचर का काम होता है, द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, तो एग्जेक्टिव इज दैट ऑर्गन हुज मेन फंक्शन इज टू इंप्लीमेंट लॉज, टू एग्जीक्यूट लॉज. लॉज को इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, दैट्स द मेन फ्रेम ऑफ दिस ऑफ एग्जेक्टिव. नाउ एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, एनफोर्स करना, ये जो अथॉरिटी होती है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं. अब ये अथॉरिटी किसके पास आती है, हु हैज दैट अथॉरिटी? जिस तरह हमने लेजिस्लेचर में कहा वो एक हाउस होता है या दो हाउस होते हैं, दे हैव इट, और प्लूरल बॉडी होती है. एग्जेक्टिव कौन होता है? दिस एग्जेक्टिव अथॉरिटी, यानी द अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ, इज एक्चुअली इन फोर मेन पीपल: हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी. नो वी डिडंट, अब आपने ये डिस्कस नहीं किया था. ये चार मेन एलिमेंट्स हैं जो कि इंप्लीमेंट करवाते हैं लॉ को: हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी. हेड ऑफ द स्टेट यूजली इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, यूजली गलत लिखिएगा. ब्रिटेन में इट्स मोनार्क, मलेशिया में इट्स यंग दी पर्तवान अगांग, सो वेरी करता है. यूजली हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. हेड ऑफ द गवर्नमेंट हु इज यूजली कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, यूजली कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर. जर्मनी में क्या कहते हैं उसको? चांसलर. एग्जैक्टली. सो कैबिनेट, कैबिनेट जिसको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, फर्स्ट मिनिस्टर्स या जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. और ब्यूरोक्रेसी क्या होती है आयशा, बताएं क्या होती है? वो ब्यूरोक्रेसी होती है सर. सो द क्वेश्चन इज, जो आप एग्जाम दे रहे हैं, जुल्फकार हम के साथ आगे लिखें इंशाल्लाह वाले, आप लिखें इंशाल्लाह वाले, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं सर. अंडर सेक्शन ऑफिसर्स, नो रिप्शन, सेक्शन ऑफिसर्स एंड अबव, उससे ऊपर की बात करते हैं तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज यूज करते हैं. यस. अच्छा, नाउ ये सारों के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, ऑल ऑफ देम हैव द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. स्टेट के पास भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, कैबिनेट के पास भी है, ब्यूरोक्रेसी के पास भी है. ब्यूरोक्रेसी में फिर पुलिस, हेल्थ, जो भी ब्यूरोक्रेसीज आ जाती हैं. माय क्वेश्चन इज, ये चारों में से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, बट इनमें अगर इख्तलाफ आ जाए तो हु हैज द पोजिशन, हाइएस्ट पोजिशन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? कोर्ट कहां से आ गई लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए? उमर जमान. इन चारों में से इख्तियार किसके पास होता है? आपने लिख दिया जा रहा था गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट. अमीर हमजा डिड आई आस्क पाकिस्तान? आप लोग मेरा सवाल क्यों नहीं सुनते, पहले बताएं. अच्छा, क्वेश्चन इज यस आरिफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इट इज इधर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इन सम स्टेट्स विद द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन सम स्टेट्स इट हेड ऑफ द स्टेट. सो बिल्कुल ठीक लिखा जायदा आपने. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हेड ऑफ द स्टेट हैज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हेड ऑफ द स्टेट इज चीफ एग्जीक्यूटिव. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चीफ एग्जीक्यूटिव. लेकिन इन दोनों में से कोई चीफ हो सकता है. मेरा आपसे सवाल है, कैन इट बी द कैबिनेट विच इज चीफ एग्जीक्यूटिव? नो. कैन ब्यूरोक्रेसी बी चीफ एग्जीक्यूटिव? तो आप जो मर्जी कर लें, सीएसएस 10 बार भी टॉप कर जाएं, आप चीफ सेक्रेटरी तो जाके बन जाएंगे रिटायरमेंट से पहले, आप
चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते, जो मर्जी कर लो। सो ब्यूरोक्रेसी कैबिनेट कैन नेवर बी चीफ एग्जीक्यूटिव, बट हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है इनमें से ही कोई ना कोई हाँ जुल्फकार ये बात ठीक करें, बट दिस इज हाउ इट हैपन। दैट्स ट्रू। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है प्लीज कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है तो बाकियों की पावर नहीं है, उनकी अपनी पावर है। अगर गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है तो बाकियों की अपनी पावर है, पावर सबकी होती है, बट द चीफ अथॉरिटी लाइज विद समबडी। इज इट क्लियर जी? ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज उस्मान, हमारा इसके बाद जुडिशरी है, उसके बाद हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पे जाएंगे, आज ही जाएंगे इंशाल्लाह, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट, बट हम पढ़ेंगे उसको। ऊपर साथ एक सवाल पूछा था, साथ में आपका सवाल भूल गया था, जरा प्लीज अगर दोबारा पोस्ट करते हैं, मुझे भूल गया था। अच्छा सवाल कुछ लगा था, मेरे जहन में पता नहीं क्यों निकल गया, मैं आता हूँ उसके बाद जी सर। बट इज एन एडर स्टेट एंड अदर गवर्नमेंट सेम इम्प्रेशन सिस्टम साथ, इन थियोरेटिकली स्पीकिंग ऐसा ही होता है, बट प्रैक्टिकली समटाइम इट डजंट हैपन साथ। जैसे फ्रांस है, जैसे चाइना है, तो मोस्टली आप ठीक कह रहे हैं ऐसा ही होता है, बट नॉट ऑलवेज। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये चारों के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और इनमें से कोई एक चीफ होता है। अब मजीद इसकी डिस्कशन में जब जाते हैं तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैबिनेट, दे आर यूजुअली इलेक्टेड पीपल। दे आर यूजुअली इलेक्टेड। हाँ, जो सर साथ ने ऊपर कहा, ये जो कैबिनेट है ये पार्लियामेंट्री में तो इलेक्टेड होती है, प्रेसिडेंशियल में इलेक्टेड नहीं होती। मैंने इसी लफ्ज इस्तेमाल किया यूजुअली। मैं फिर रिपीट करूंगा, हर द स्टेट, हर द गवर्नमेंट, कैबिनेट, दे आर यूजुअली द इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर द इलेक्टेड पीपल। अच्छा, मैंने जब इलेक्टेड कहा तो नॉमिनेटेड नहीं, शबाज इलेक्टेड, जब मैंने इलेक्टेड कहा तो इलेक्टेड का मतलब ये हो सकता है कि डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है। डायरेक्ट इलेक्शंस और इनडायरेक्ट इलेक्शंस दोनों हो सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट इलेक्शंस हो, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इज इट क्लियर? सिर्फ कैबिनेट का मैंने कहा, कैबिनेट पार्लियामेंट्री सिस्टम में तो इलेक्टेड है, प्रेसिडेंशियल में इलेक्टेड नहीं होती, ये वहां सिलेक्टेड कह लें। अहमद ईशान, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा था लेकिन अब कंफ्यूजन आ जाएगी तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, अब एक लफ्ज होता है अहमद ईशान, आपने पॉइंट आया, पॉलिटिकल साइंस वालों को पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक टर्म होती है कैबिनेट, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपने ये दो लफ्ज सुने हुए, एक है कैबिनेट, एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पाकिस्तान में उर्दू में दोनों को कभी नहीं कहते हैं, हाँ तो उर्दू पे इसी ना जाइएगा, बट अंग्रेजी में ही बेहतर है, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अहमद ईशान, आपका लिंक उससे पोस्टिंग का उससे लिंक है। अमीर हमजा, बताओ क्या फ़र्क होता है? ला वाले एक फरिया हैं, एक अमीर हमजा हैं, जो मैंने अब तक नजर आए मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलें आप मुझे करेक्ट कीजिएगा प्लीज़। कैबिनेट इज यूजुअली जो दे हेड द मिनिस्ट्रीज, कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड्स द मिनिस्ट्रीज, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दे आर इलेक्टेड वंस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स प्लस एडवाइजर्स एटसेट्रा। ऐसा ही है मेरे मुझे? यस, अपॉन टेक्नोक्रेट्स, यस एग्जैक्टली।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यस लाइक जुल्फी बुहारी लाइक ये हमारी फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, ये बहुत सारे लोग हैं इस तरह से। मैं फिर भी करूँ, कैबिनेट हेड्स मिनिस्ट्री, वो एक मिनिस्ट्री को हेड करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में दे आर इलेक्टेड पीपल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट भी होती है यानी इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं, प्लस कुछ टेक्नोक्रेट्स कह लें, कुछ लोगों को अपॉइंट भी किया जाता है। जैसे पाकिस्तान के एग्जांपल में जुल्फी बुहारी का जिक्र किया गया, मोहित यूसुफ हैं जो वो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, इस तरह के लोग, शफकत महमूद भी हैं, मुझे उसका नहीं पता, मीर हमजा शायद वो भी होगा, वो सेनेटर नहीं है शफकत महमूद, बट अगर नहीं है तो वो भी आ जाएंगे सड़क, बट मुझे कन्फर्म हफीज शेख थे एक ज़माने में, बल्कि अभी भी हैं, अल्लाह बख्शे उनको, तो ये सारे लोग आ जाते हैं उसके अंदर। सो कैबिनेट शक में वो लाहौर से मैंने, यस यस, अगर जाक दाऊद हैं, टू टू टू, आयशा कौन बाजवा, आपने मिसिंग पर्सन होना सी एस एम एस आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं, आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो ना एडवाइजर हैं, थे अब नहीं है, वो थे अब नहीं है सर, हाँ ओके। सो कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स में प्लीज ये फर्क कीजिएगा, नहीं जिशान होती है, जिशान होती है, ये मामला ना आपने जो बात क्वेश्चन उठाया बड़ा इंपॉर्टेंट था सईद मोहम्मद जिशान, पाकिस्तान में काउंसिल मिनिस्टर्स वाली बात, ये इशू बना था जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आई थी, ये जो आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब की एक्सटेंशन थी उस मामले पे जब ये डिबेट हुई थी तो उस वक्त ये मामला आया था वहां पर आके। तो पाकिस्तान में काउंसिल मिनिस्टर्स है, नहीं 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 जिशान, पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्ट्री होती है, यूनियन मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज नहीं करते, यूनियन का लफ्ज़ इंडिया के लोग करते हैं, इंडिया में किया जाता है, पाकिस्तान में फेडरल मिनिस्ट्री होती है। जी जवेरिया एग्जीक्यूटिव, जिशान का पॉइंट था काउंसिल मिनिस्टर्स, पाकिस्तान में काउंसिल मिनिस्टर्स भी होती है और कैबिनेट का, दोनों का लफ्ज़ होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स में कैबिनेट प्लस एडवाइजर्स दोनों आ जाते हैं और कैबिनेट में सिर्फ मिनिस्ट्री के हेड करने में लोग आ जाते हैं। जी ऐसा ही है जिशान, ऐसा ही है, ट्रू, नहीं बल्कि हमें तो ये भी जानने की जरूरत नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है जो मैं बता रहा हूं, आइडिया हो बट आपने टर्म जब यूज करनी है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जी अरबा, यस, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर दोज हु होल्ड पोर्टफोलियो, समझा, एग्जैक्टली, और पोर्टफोलियो बाय हेडिंग अ मिनिस्ट्री। देखिए जो एडवाइजर्स होते हैं, स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये कहलाते हैं, ये किसी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, पूरी मिनिस्ट्री को हेड नहीं कर सकते, ये मिनिस्टर स्टेट भी असर, एग्जैक्टली, दे ओनली हेड अ डिपार्टमेंट ऑफ अ मिनिस्ट्री। एक मिनिस्ट्री के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, उनमें से किसी एक चीज को हेड करने वाले को हम एडवाइजर स्टेट मिनिस्टर वगैरह हो जाता है, और बाकी जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है ही हेड्स द एंटायर मिनिस्ट्री ओवरऑल इन चार्ज। जी अहमद निशान, यस, मैं इसको कहूंगा जी कैबिनेट इज सब पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होती है बेसिकली। जी अमीर अब्दुल्ला, ट्रू ट्रू, वो ना अमीर अब्दुल्ला सर में जो, क्योंकि एडवाइजर है ना, इलेक्टेड लोग नहीं है, उनको बुलाया तो जा सकता है लेकिन वो मेंबर नहीं होते, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो तो मेंबर हैं, या नेशनल असेंबली के या सेनेट के पाकिस्तान के अंदर। एनीवे इस डिबेट पे नहीं जाते, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पॉइंट इज कैबिनेट जो है वो इलेक्टेड होती है, नहीं अबा ये क्वेश्चन यहां पर नहीं आता लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आता है, यहां पर एग्जीक्यूटिव में सवाल भी इस तरह से नहीं आता। हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट, दे आर यूजुअली इलेक्टेड पीपल, कैबिनेट इलेक्टेड होती है पार्लियामेंट्री में, प्रेजिडेंशियल में नहीं होती। अच्छा ये इलेक्टेड, और ये लोग कौन से होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, इस ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेड, अगर होता तो आप इलेक्शन ना लड़ रहे होते सर, दे आर सिलेक्टेड वंस, एग्जाम देंगे, सीएसएस पास करेंगे तो आपको हो जाएगा, वरना नहीं होगा सर। अच्छा दूसरी चीज,
हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैबिनेट, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म, वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल मैक्सिमम, ये टर्म होती है। और ब्यूरोक्रेट्स ये कितने अर्से के लिए आते हैं, मेरिट तो ना कहें, आप ये कहें रिटायरमेंट तक चलते हैं, दे आर लॉन्ग टर्म, यस दैट विल बी मोर प्रेफर्ड टिल रिटायरमेंट एज 60 ना लिखें, ये पाकिस्तान में होता है, हर मुल्क में ऐसा नहीं होता, बट आप लिखेंगे जी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं सब। ओके नाउ ये फर्क हो गया। फिर ये जो तीन है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कैबिनेट, इसको हम कहते हैं पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वी कॉल दीज इलेक्टेड पीपल एज पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये कुछ डिफरेंसेस थे जी दैट आई वांट टू एक्सप्लेन। लेट्स गो टू द फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस हैं, बेसिक फंक्शन है इंप्लीमेंटिंग लॉज। अच्छा अब ये जो फंक्शन मैं पढ़ा रहा हूं जी, जब मैं यूके पढ़ाऊंगा, यूएस पढ़ाऊंगा, पाकिस्तान, इंडिया, टर्की, चाइना एक्सेट्रा, वहां पे जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह की पावर पढ़ेंगे तो यही पावर्स होंगे। वहां जाके इतना कहिएगा सर हमने ये नहीं पता कि इससे क्या मतलब है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यही फंक्शन वहां पे भी जाके पढ़ेंगे आप, तो गौर से सुनिएगा। यहां पे सवाल नहीं आएगा, वहां पे आएगा। लॉ को इंप्लीमेंट करना, लॉ को एग्जीक्यूट करना, ये बुनियादी काम है एग्जीक्यूटिव का, सबका मिलके काम, सारे करते हैं मिलके। सेकंड, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाना, फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूट करना, दैट्स बेसिकली द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फॉरेन पॉलिसी बनाना, फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूट करना, दिस इज देयर जॉब। अच्छा फॉरेन पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूट करने से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटी निगोशिएट करना, ट्रीटी साइन करना, डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करना, रेटिफाई करना नहीं, शहबाज नहीं, रेटिफाई मैंने नहीं कहा, ट्रीटी साइन करना, ट्रीटी निगोशिएट करना, एम्बेसडर को अपॉइंट करना, स्पेशल एनवाइज, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना, ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। इज इट क्लियर? ये समझ आ रही है जी? तो फॉरेन पॉलिसी में ये ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट से लेकर ट्रीटी साइन, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, ये सारे काम जो है ये एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं। अच्छा एग्जीक्यूटिव में हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती है, हु हैज द हाईएस्ट अथॉरिटी, कौन डिसाइड करता है इन सब में से, यस आमना, दोनों में से कोई एक, गुड हो गया, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों में से कोई एक डिटरमाइन करता है। Almost every function, not all, but almost every function. Sort of. Achha, next. Signing of bill. Signing of the. For the other question, dobara kijiyega. Ambassadors fall under the bureaucracy too. Yes. डिसाइसिव पावर्स से मतलब एग्जेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, एम्बेसडर्स को अपॉइंट कौन करता है, एम्बेसडर को अपॉइंट भी तो यहां प्राइम मिनिस्टर कर रहा होगा, प्रेसिडेंट करता है अंदर एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करता है बट पीएम के एडवाइस पे कर रहा होता है, सो
मैंने कहा तमाम फंक्शंस जो है वो एग्जेक्टिव करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारे मिलके कर रहे हो, उसमें से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है आपस में, देयर इज अ हायरार्की दैट इज फॉर्म्ड। अच्छा, साइनिंग ऑफ द बिल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, जरा सुनिएगा। बिल किसे कहते हैं? व्हाट इज बिल? इट्स नॉट बिल गेट्स। बिल क्या होता है? नो, इट्स नॉट अ लॉ बिफोर लॉ, इसको कहते हैं नॉट येट अ लॉ, मतलब प्रपोज लॉ। इट्स अ ड्राफ्ट लॉ, ठीक है, प्रपोजल फॉर अ लॉ। प्रपोजल फॉर लॉ लफ्ज एक ही लफ्ज है, जितने मर्जी आप लफ्ज यूज कर लें, आप इसको प्रपोज लॉ कहते हैं सर, ठीक है, इट्स अ ड्राफ्ट लॉ। ये लॉ का प्रपोजल होता है, वो लॉ नहीं होता। बिल लॉ, बिल जब प्रपोजल आता है वो कहां प्रेजेंट होता है? वेयर इज इट प्रेजेंटेड? जरूरी है? इट कैन बी लोअर हाउस ऑफ हाउस, ना कहा करें, इट कैन बी, इट इज, आप एक लफ्ज में कह दें इट इज प्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अमेरिका, मैंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, अगर अमेरिका की बात कर रहा होता तो आप क्या कहते हैं? आप जनरली लफ्ज यूज करेंगे और कहेंगे आप बिल्स आर प्रपोज्ड इन लेजिस्लेचर, आप जनरली कहेंगे बिल्स आर प्रपोज्ड इन लेजिस्लेचर, ना पार्लियामेंट ना कांग्रेस, जनरली बात करेंगे आप। अच्छा, नाउ बिल इज प्रपोज्ड इन लेजिस्लेचर, पास करती है लेजिस्लेचर, कल हमने कहा टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ, रिपील लॉ, पास करती है सर, बट द लेजिस्लेचर व्हेन इट पासेस इट, इट इज स्टिल अ बिल। दिस बिल आफ्टर पैसेज ऑफ द लेजिस्लेचर कैन बिकम लॉ आफ्टर साइंड बाय हेड ऑफ द स्टेट। अगेन प्रेसिडेंट नहीं कहना शहबाज, हेड ऑफ द स्टेट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के साइन नहीं होते, हेड ऑफ द स्टेट, ओनली हेड ऑफ द स्टेट, ओनली हेड ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू साइन द बिल टू मेक इट अ लॉ। जो ही हेड ऑफ द स्टेट बिल को साइन करता है तो वो लॉ बन जाता है। हेड ऑफ द स्टेट के साइन करने से पहले इट इज कॉल्ड बिल, After head of the state signs it, it is called the law. तो आम तो head of the state को जो हम प्रेजेंट कह रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा था, बट वो क्राउन भी हो सकता था। हेड ऑफ द स्टेट ऑल अक्रॉस द कंट्रीज, एग्जैक्टली, तमाम मुल्कों में हेड ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू साइन द बिल टू मेक इट अ लॉ, तमाम मुल्कों के अंदर। हमजा, एक्ट, लॉ, सारी चीजें वो लॉज हैं, बिल इज अ प्रपोज लॉ। अच्छा, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरे साइंस में आई गई नहीं। यस, दे हैव टू बी पास बाय द लोअर हाउस फर्स्ट, कोई शक नहीं है, बट हम यहां पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हम इसको जुमला लिखते हैं, हेड ऑफ द स्टेट साइंस द बिल टू मेक इट अ लॉ, और ये हमेशा हेड ऑफ द स्टेट तब साइन करेगा जब पहले लेजिस्लेचर उसे पास कर लेगी। लेजिस्लेचर पास करती है और उसके बाद भिजवा देती है हेड ऑफ द स्टेट के पास, और हेड ऑफ द स्टेट साइन कर देता है और वो लॉ बन जाता है। विदाउट हिज सिग्नेचर इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ लॉ। जो बेशक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, हर सूरत में हेड ऑफ द स्टेट के ही सिग्नेचर चाहिए होते हैं लॉ बनाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल है, हेड ऑफ द स्टेट साइन करेगा तो बिल का स्टेटस चेंज हो जाएगा और वो स्टेट हो गया, क्या बन जाएगा? लॉ का स्टेटस बन जाएगा। बिल बिकम्स लॉ आफ्टर साइंड बाय हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग, द एग्जेक्टिव
particularly head of the state, in some states have the power to make laws in certain conditions. Karma, aap par sawal is pe aa raha hai, isi pe. Head of the state in some states, not all, head of the state in some states have the power to make laws, to issue laws in certain conditions, and that is called ordinance. Jo Karma ne upar likha hai yahan pe, usko kehte hain ordinance. Ordinance is the law issued by head of the state in some states in certain conditions. Is it clear? For example, Pakistan mein hai, for example, India mein hai. Ye ek do example aap dekh sakte hain. Another. Appointments. वो कंडीशन वेरी करती हैं जी. पाकिस्तान में अलग कंडीशन होगी, इंडिया में अलग कंडीशन होगी. हमको बिल्कुल यहां पे नहीं लिखनी, हमने जस्ट फिर आइडिया देना है. अपॉइंटमेंट. अच्छा, अपॉइंटमेंट से मतलब ये है कि जो एग्जेक्टिव होती है, शबाज, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट टू स्टेट. हर स्टेट के अंदर अपना अलग अलग से प्रोसीजर है उसका. अगर प्रेजेंट साइन ना करे तो क्या होगा, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट. अच्छा, अपॉइंटमेंट. द एग्जेक्टिव हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट, टू मेक एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स. द एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैव द पावर टू मेक सर्टन अपॉइंटमेंट्स. कुछ एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Cabinet is appointed by head of the state. Cabinet is appointed by head of the state. Cabinet and head of the state, they appoint bureaucracy. The head of the state and cabinet, they appoint bureaucracy. So they also appoint advisors. They also appoint different other staff and officials. But somehow the executive makes different appointments. Wo executive ye bhi ho sakta hai, ye bhi ho sakta hai, ye bhi ho sakta hai, ye bhi ho sakta hai. They all make different appointments. That's part of their job. Zulfikar, answer is no. So ye ek aur function hai. Phir hai kuch military functions. Some military functions. The executive appointment ko main repeat karta hu shortly. The executive makes different executive appointments. Wo apne aap ko assist karne ke liye different appointments karte hain. Jaise cabinet ki appointment head of the state karta hai, advisors ki appointment karta hai, bureaucrats ki appointment karta hai, bureaucrats aage apne staff ki appointment karte hain. So they all appoint different people, jo bhi unke purpose hote hain. Military function. The executive has, or khaskar jo head of the state hai, they have usually some powers over the military. Unki kuch military ke upar powers hoti hain. Ji Hamza, yes. Military powers kya hoti hain? For example, movement of forces. Forces ko ek state ke andar या स्टेट के बाहर मूव करना, डिप्लॉय करना, रीडिप्लॉय करना, दैट इज द पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट. हेड ऑफ द स्टेट करता है वो, फिर हर मुल्क के अंदर प्रोसीजर डिफरेंट है कैसे करता है, बट हेड ऑफ द स्टेट हैज द पावर टू मूव ट्रूप्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल. अच्छा, वार डिक्लेरेशन कौन करता है? लेजिस्लेचर. कल ही तो बताया, कौन सा पुराने जमाने में बताया था, मेमोरी चेक करें जरा.
कल पढ़ा था ना हमने लेजिस्लेचर की वार होती है पार्ट पार्ट की। ओके गुड नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स। मेजर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट हैव द पावर टू अपॉइंट मिलिट्री ऑफिशियल्स, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, फ्लान चीफ, फ्लान चीफ, जो भी मिलिट्री चीफ हैं वो अपॉइंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। जी मारिया आ रही है फिर भी, गो आपके पास। हेड ऑफ द स्टेट करता जी, हेड ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स ऑल दोज थिंग्स। मारिया वाला पॉइंट पेपर में ना लिखिएगा प्लीज, उन्होंने वैसे कहा। अच्छा लास्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट, बजट मेकिंग। नहीं ऑलवेज ऑलवेज उस्मान, ऑलवेज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज लास्ट फंक्शन, मेकिंग बजट प्रपोजल। बजट पास कौन करता है? लेजिस्लेचर करती है, एग्जैक्टली। और बजट बनाता कौन है? हु प्रिपेयर द बजट? इट्स ऑलवेज द एग्जेक्टिव, इट्स ऑलवेज द एग्जेक्टिव दैट प्रिपेयर्स द बजट, दैट प्रपोजेस द बजट। और प्रिपेयर करना हमेशा एग्जीक्यूटिव का काम होता है, उसमें यूजली हेड ऑफ द स्टेट, कैबिनेट वगैरह मिलकर, ब्यूरोक्रेसी, ये मिलकर बजट प्रपोज करते हैं सॉर्ट ऑफ। सो ये बेसिक फंक्शंस हैं जी जो लेजिस्लेचर के होते हैं, सॉरी एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस होते हैं। और यही फंक्शन हम जाके पढ़ेंगे बाद में प्राइम मिनिस्टर्स के और प्रेजिडेंट्स के डिफरेंट मुल्कों के अंदर। आई गेस इट्स सिंपल, इज इट क्लियर? कराची चौकी, कराची में क्या हुआ? इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है प्लीज। लास्ट पॉइंट मैं रिपीट करता हूं उमर, बजट इज प्रपोज बाय एंड प्रिपेयर्ड बाय द एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव बजट प्रिपेयर करती है, वही प्रपोज करती है। ऑर्डिनेंस को रिपीट करता हूं, ऑर्डिनेंस इज, मैंने कहा कि जो लेजिस्लेचर है इट हैज द पावर टू, सॉरी जो एग्जेक्टिव है और खासकर हेड ऑफ द स्टेट जो है, ही हैज और शी हैज द पावर टू मेक लॉज इन सर्टेन कंडीशंस इन सम स्टेट्स, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ऑब्वियसली बात है फिस्कल पॉलिसी, बजटिंग प्रपोजल, ये सारे के सारे काम एग्जीक्यूटिव के हैं। ऑल मिलिट्री ऑफिशियल्स अपॉइंट बाय हेड ऑफ द स्टेट, यस। ओके अब बोर्ड की पिक्चर, वो कह रहे थे बच्चे जी पास बजट जो है वो लेजिस्लेचर कर रहा होता है, ट्रू। ओके जी असद, एग्जैक्टली जी जी शहबाज पूछिए। नो रोल शहबाज, नो एब्सोल्युटली नो रोल। वो दुआ कर सकता है, बददुआ कर सकता है, बट और कुछ भी नहीं कर सकता। ओके जुडिशरी पे आते हैं ना। जुडिशरी का पॉइंट जो है जी, यहाँ पे सवाल आ जाता है कभी कभी पेपर वन के अंदर, इस सेक्शन में जुडिशरी पे सवाल आ जाता है कभी कभी। अच्छा जुडिशरी पे क्या आता है, उसके फंक्शंस और खासकर उसका कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो इस पे सवाल यहाँ भी आता है, पेपर टू में इतना हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे इस पे सवाल आता है।
व्हाट इज जुडिशरी, इसके फंक्शंस क्या हैं, और साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्या होती है और कैसे इंश्योर की जाती है, ये सवाल आ जाता है. सो लेट्स बिगिन विद बाय अंडरस्टैंडिंग जुडिशरी. जुडिशरी को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आगे इसके डिफरेंट डिबेट्स में जाएंगे. जुडिशरी, अब यहाँ पे वो डिबेट है जो शायद कल आप में से किसी को कंफ्यूज कर रही थी बहुत ज़्यादा कि जुडिशरी को मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ. आई गेस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप में से किसी का, बट आज हम उस डिबेट में जाएंगे जाकर. अच्छा, एक तो ध्यान रखिएगा कि जब हम लफ्स गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो थियोरेटिकली पोलिटिकल साइंस की नॉलेज में पोलिटिकल साइंस, अच्छा मैक भाई वो आज नहीं है, नज़र नहीं आ रही मुझे. नहीं, अच्छा मोहम्मद शहबाज, सॉरी 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 शहबाज ठीक हो गया, आज अपने नाम से आ रहे हैं ना तो डिफरेंट हो गया, ठीक हो गया. अच्छा ना होता ऐसा से है कि जुडिशरी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में इट्स एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, बट इन स्टेट्स व्हेन दिस गवर्नमेंटल प्रैक्टिस इज डन तो जुडिशरी इज नॉट टेकन एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जुडिशरी इन प्रैक्टिकल टर्म्स इज नॉट टेकन अ पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट, इट इज नेवर टेकन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन पोलिटिकल साइंस की थ्योरी के अंदर इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की मशीनरी का हिस्सा है. लेकिन इन प्रैक्टिकल टर्म्स जुडिशरी हैज नेवर बीन एंड इट हैज नॉट बीन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जब हम लफ्ज गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं इन स्टेट्स, मुल्कों के अंदर, तो हम उन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट में जुडिशरी को नहीं लिखते. पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आप एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की बात करेंगे, आप यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो आप कैबिनेट की और कांग्रेस की बात करेंगे, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट और उसकी पार्लियामेंट की बात करेंगे वहां पर. क्यों ऐसे होता है? तो फरिया ने यहां पर पॉइंट लिखा, बिकॉज जो जुडिशरी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गन, इट इज एंड इट शुड बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट फ्रॉम हूम? इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जेक्टिव, इट हैज टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर. उससे फ्री होना चाहिए. क्यों होना चाहिए ये तो हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में देखेंगे जाके. लेकिन जी यस, ऑन व्हाट ग्राउंड पोलिटिकल साइंस सेज, इस शहबाज ने पूछा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. मेरे सब्जेक्ट को आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने सब्जेक्ट को आप डिफेंड करता हूं जरा. देखें गवर्नमेंट क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट बाय द वे, वो बेसिकली जो स्टेट के प्रैक्टिकल अफेयर्स हैं उनको चलाती है. इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, यस इट्स एन ऑर्गन एलिमेंट ऑफ स्टेट, ट्रू. ये स्टेट के फंक्शंस को, स्टेट को स्मूथली मैनेज करने के लिए एक इदारे का नाम है. स्टेट इज दैट बॉडी विच मैनेजेस. यस उमर एग्जैक्टली, बट अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूं. अब सवाल यह है कि रियासत के मामलात में, अब शहबाज गौर से सुनने का पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया, पॉलिटिकल साइंस की बेसिक है, कोर है. स्टेट में लोग भी हैं, टेरिटरी भी है, गवर्नमेंट भी है, सॉवरेनिटी भी है. अब स्टेट के मामला चलेंगे कैसे, उसके लिए फिर गवर्नमेंट बन जाती है, गवर्नमेंट ये काम करती है और गवर्नमेंट लॉ के जरिए से चलाती है काम. तो अब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, एग्जेक्टिव ने इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन लोग कहते हैं, पॉपुलेशन कहती है, हमें एतराज़ है, पुलिस ने हमें पकड़ लिया, मसला है, मैंने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया. जब मैंने जुर्म नहीं किया तो मैनेजमेंट इफेक्ट हो जाएगी. आप जो स्टेट को गवर्न करना चाहते हैं वो गवर्न तो नहीं करने पाएंगे, एनार्की क्रिएट हो जाएगी. तो एक इदारा बनाना पड़ा, ताकि जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, वो फंक्शनिंग एज पर द लॉ है, तो एक इदारा बन जाता.
तो मेरा सवाल ये है शहबाज, जो बेसिक जिस पॉइंट में आना चाह रहा था, कैन जुडिशरी एक्ट बियॉन्ड द लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर्स? थियोरेटिकली इट कैन नॉट. इसका मतलब है दे ऑल आर इंटरलिंक्ड. लेजिस्लेचर मेक्स लॉज और जिसको जुडिशरी इंटरप्रेट कर रही होती है. जी जी प्लीज शहबाज को जरा अनम्यूट कर दीजिएगा, मोहम्मद शहबाज को. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम जी शहबाज. जी सर, मेरा जो बेसिक एक कंसेप्शन शुरू से ये रहा है सर, एक तो बहुत सारे वेग एरियाज होते हैं लॉ में, खासतौर पे पाकिस्तान के वेग एरियाज में, जहां जुडिशरी इटसेल्फ बिकम्स द लेजिस्लेचर, क्योंकि उन एरियाज में दे आर लाइक डूइंग, जैसे पिछले चीफ जस्टिस साहब ने किया था, ही वेंट फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स की आड़ में उन्होंने जो कुछ किया. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एक तो ये सर के जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स है, दे कम्स एंड गो, इट्स मोर पार्ट ऑफ द स्टेट के जुडिशरी स्टेज देयर, लाइक ब्यूरोक्रेसी स्टेज देयर. तो उस टर्म में मैं कह रहा था कि सर इसको, मैंने भी काफी सारे टीचर्स ने मुझे ऑलरेडी यही कहा है कि इट्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, बट ये स्टेट का हिस्सा माना जाता है इन जनरल टर्म्स. तो वो मुझे कंफ्यूज स्टिल करता है शहबाज. जी सर, ये जो आपने बात बड़ी अच्छी कर ली ना, कि ये बेसिकली लड़ाई है जज हजरात वकला हजरात की हमारी पॉलिटिकल साइंस वालों से. ऐसे ही है सर. असल में अब मैं मिसाल दूं शहबाज कि जी, चूंकि जुडिशरी रहती है तो पार्लियामेंट्स आती हैं जाती हैं. शहबाज आप और मैं अभी पढ़ेंगे, बाद में जाके बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा, हमारा सेनेट भी तो परमानेंट है. बिल्कुल सर. फिर इसको भी स्टेट कैसे माना लें? जो सेनेटर्स हैं बिल्कुल ठीक, खत्म नहीं होता. ऐसी नेशनल असेंबली एक्सपायर हो जाती है, एग्जीक्यूटिव एक्सपायर हो जाती है, लेकिन हमारी आ नहीं सकती सड़क. अच्छा, अब इसमें शहबाज प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से तो जरा साइड पे रख लें. इवन दुनिया में आपने जो जुडिशरी के रोल की बात की, लॉ मेकिंग की बात है, मार्शल का केस आपके सामने है, मेडिसिन वर्सेस मर्वी का केस डाले, तो वहां भी एक प्रेसिडेंट बन गया और लॉ बन गया, वहां भी जाके बन गया. ब्रिटिश के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको जुडिशियल प्रेसिडेंट से लॉ की गुजारिश मिल जाएंगी आपको. ठीक है, पॉइंट सिर्फ ये है यहाँ पे, हम बेसिकली कर रहे हैं कि स्टेट में और गवर्नमेंट में फर्क अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यहाँ पे दरमियान में ग्रे एरिया भी आया था. अब मसला ये है कि जो जुडिशरी का ओरिजिनल पार्ट था वो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट. ऐसी बेसिक इसकी ओरिजिन है, लेकिन बाद में पता चला, और गवर्नमेंट का भी ये, मतलब एग्जीक्यूटिव का भी ये काम था, लेजिस्लेचर का भी काम था, बाद में पता चला कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं समटाइम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट में वो यूजर्पर ऑफ पावर बन जाते हैं. ऐसी ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, जुडिशरी का काम फिर बना दिया गया. आपने स्टेट को और गवर्नमेंट के दरमियान में एक बैलेंस, गवर्नमेंट स्टेट पावर को मिसयूज ना करे, उसके लिए फिर जुडिशरी भी बना दी गई. जुडिशरी को एक चेक बना के रख दिया. यस यस, इट इज पार्ट. जो ऐसा ही है ना शहबाज, अगर मैं इसको करूं तो अमीर हमजा भी बैठे हैं, उनको जरा ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा. वो प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा था जी, अब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो बेसिकली कैबिनेट का मेंबर है. ऐसी मेंबर ऑफ द कैबिनेट, लेकिन वो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ जब पता चला कि जब 20 लोग होंगे फैसला नहीं कर पाएंगे, उनमें से एक को मॉनिटर बना दिया, सीआर बना दिया. ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रिटिश मैक्सिम में कहते हैं ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ही इज नॉट द बॉस. और ये पिछले दिनों जब केस आया उसका, सुप्रीम कोर्ट का केस आया फैज़ ईसा केस में, उसमें यही कहा उन्होंने, जस्टिस फैज़ ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो बॉस नहीं है, आप बॉस नहीं है, आप उनमें से ही हिस्सा हैं आप उसका. ठीक है, व्हेन द वर्ड प्राइम मिनिस्टर इज यूज्ड इट मींस द एंटायर कैबिनेट इज यूज्ड. ऐसी, लेकिन क्योंकि आसानी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पे इसके लिए आपको एक काम दे दिया गया, तो सीआर इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट मोर, उसने भी करना है वही करना है जो बाकियों ने करना है, बट ही इज मोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो जुडिशरी का काम भी बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स ही है.
ठीक है बट उसका काम थोड़ा एग्जेक्टिव एसेसर से डिफरेंट नोयत का काम है सर, ये बेसिक डिफरेंस होगा। ठीक, तो इसलिए हम पूरे साइंस की थ्योरी में तो पढ़ते हैं तो हम भी ठीक कर रहे हैं, लॉयर्स भी ठीक कर रहे हैं, जज भी ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन स्टेट से लिंक नहीं कर सकते बिकॉज स्टेट को एक जुडिशरी से लिंक कर देना दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि स्टेट का इदारा नहीं होता, ओके, स्टेट का इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है, स्टेट के हमेशा ऑर्गन एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम। आई गेस जिन लोगों को समझ आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो कंस्टिट्यूशन ला रख ले, फिर समझ पढ़ना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं जुडिशरी में। बट वन सेंटेंस में अगर मैं इसको कहूं कि आज गाड़ी में नहीं है शिवाजी, इसको बेसिक सेंस में अगर मैं कहें तो पॉलिटिकल साइंस में किताब के अंदर, पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी के अंदर तो बेसिक आर्गुमेंट जो है वो ये होता है कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। लेकिन ऑब्वियसली बात है जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो जुडिशरी हैज अ स्पेशल स्टेटस, अ डिफरेंट पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट, और प्रैक्टिकली इट इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे भी याद है सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कहा था कि जी, अटॉर्नी जनरल ने जो जुमला बोला ये कोई 2 साल पुरानी बात है कि गवर्नमेंट के ही ऑर्गन्स हैं तीन, उन्होंने कहा तीन नहीं होते, जज ने कहा देखा 2 होते हैं। आर यू सेइंग दैट वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? वी आर नॉट, गुस्से में उन्होंने कहा था बकायदा वहां पे जाके। ये व्हाट अबाउट मीडिया, सवाल पूछा गया, मीडिया को ना ही कुछ कहें तो बेहतर है। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की किताबों में तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, बट स्टेट्स के अंदर जब जाएंगे तो जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सिंपल। चलें जी, ये क्वेश्चन बड़ा आसान आ गया जो सीएसएस को चाहिए, उन्हें जी पेपर में बताएं हमने क्या लिखना है, गवर्नमेंट का ऐसा है या नहीं। पेपर में अगर आप पेपर 1 सेक्शन 2 कर रहे हैं तो आंसर इज यस, व्हेन यू विल बी स्टडीइंग इन पेपर 2 नो, सिंपल। अब आगे समझ, आप ये ना पूछें क्या बात हुई, बस जो भी बात हुई, पेपर 1 में यस, पेपर 2 में नो, बस। ओके, लेट्स मूव। लेट्स गो टू दी, थोड़ा सा बेसिक चीजें, जुडिशरी क्या होती है इसका काम। सो जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स, देयर इज ऑलवेज अ हायरार्की। जी हमने पेपर 1 में नहीं करेंगे, करने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू में वो क्लियरली, अगर आपसे इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे नहीं होता, जुडिशरी इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंटरव्यू में। आप और भी पूछ लें कि क्यामत वाले दिन फरिश्ते पूछेंगे, फिर क्या कहेंगे, अगला सवाल पूछेंगे मुझसे। उसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके, तेरा की बात है वापस। हाँ सर, लीजिए कंफर्म करें, ठीक है। हायरार्की, जुडिशरी का जो फंक्शन है, इट इज डन बाय, जुडिशरी है तो इंस्टीट्यूशन का नाम, बट इट हैज हायरार्की ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली बात है, ग्रास रूट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ जुडिशरी। तो इसके ना यूनिकैमरल ना बाइकैमरल, इट हैज मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इन स्टेट्स। ऑब्वियसली फेडरेशन में और स्ट्रक्चर होता है, मतलब यूनिटी स्टेट में और होता है वो, लेकिन उसी वेट में हम नहीं जाएंगे। बट एक बात तय है डिफरेंट, अच्छा, यूजली द हाइएस्ट कोर्ट्स आर कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट्स। यूजली हाइएस्ट कोर्ट्स आर कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट्स। एपेक्स कोर्ट का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक कह रही हैं आयशा, एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं, एपेक्स कोर्ट का लफ्ज ये मुनासिब है। बट एपेक्स कोर्ट का लफ्ज भी आप यूजुअल का लफ्ज इस्तेमाल करिएगा, यूजुअल का लफ्ज इस्तेमाल करिएगा, नॉट ऑलवेज। टर्की में चले जाएंगे नहीं है एपेक्स कोर्ट, फ्रांस में चले जाएंगे नहीं है एपेक्स कोर्ट, तो मुख्तलिफ जगहों पर कहा जाता है। ब्रिटेन में 2009 से पहले नहीं थी, अगर आप जानते हो वहां पर,
हेरार्की का मतलब क्या होता है, अगर आप में से कोई बता दे प्लीज, एक सवाल है, हेरार्की क्या होती है? हेरार्की का मतलब आसान, उसमें आपने सुना होगा ग्रेड 22 21 दर्जा बंदी, एग्जैक्टली टॉप डाउन जो होती है, सॉर्ट ऑफ 22 21 सॉर्ट ऑफ। तो कोर्ट्स के अंदर भी उनकी पावर की जो सेक्शन होती है, एक पावरफुल जो कोर्ट्स होती है, एक लेस पावरफुल, उससे कम पावरफुल, उससे कम पावरफुल, इस तरह से हेरार्की होती है सॉर्ट। तो हाईएस्ट कोर्ट से लेकर लोएस्ट कोर्ट तक हेरार्की जो है वो होती है जुडिशरी के अंदर। जजेस जो होते हैं, जुडिशरी के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम जजेस कहते हैं। थैंक यू मच। जुडिशरी के जो जजेस होते हैं दे आर यूजुअली अपॉइंटेड। दे आर जजेस आर यूजुअली अपॉइंटेड। ये जो उमर की और डॉक्टर शमायूं की डेफिनेशन है ना, इसके देख के मुझे वो थ्री इडियट्स की बुक वाली डेफिनेशन याद आ रही है, बट मुश्किल है ना लफ्ज़, आसान लफ्ज़ों में दर्जा बंदी मुश्किल है थोड़ा। अच्छा नाउ द पॉइंट इज, जो जुडिशरी होती है उसके जो जजेस हैं दे आर यूजुअली अपॉइंटेड। कैन समबडी टेल मी के अपॉइंटमेंट के अलावा और क्या मेथड हो सकता है, स्पेशली लॉ वाले? इज देर एनी प्लेस जहां जजेस इलेक्टेड होते हो? इज देर एनी प्लेस? यस दादा यस। बार कौंसिल कहां से आ गई? यस, यूएस में, यूएस में स्टेट्स के अंदर, उनकी कुछ प्रोविंसेस के अंदर कुछ जगहों पे जो है वो जजेस इलेक्टेड भी होते हैं। आईसी के जजेस भी इलेक्टेड होते हैं, ऐसा ही है, आईसी के अंदर होते हैं। उस्मान, मैंने कहा स्टेट के जजेस, कवन ऑफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। आप पब्लिक इलेक्ट करती है उनको, आरिफ वहां पे, लेकिन अगेन हम ये देखेंगे नहीं, आप बस ये लफ्ज लिख दें, दी जजेस ऑफ द कोर्ट्स आर यूजली अपॉइंटेड वंस, यूजली अपॉइंटेड वंस होते हैं। अच्छा वो जो भी मैथड होगा वो आर्मुल के अंदर होता है। लेट्स सी द फंक्शंस, जुडिशरी के फंक्शंस क्या है। वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। अच्छा सेम निशान अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। अमीर हमजा कंफर्म कीजिएगा, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज नो लॉन्गर अ जुडिशरी, इट डज नॉट परफॉर्म अ जुडिशियल फंक्शन नाउ। नहीं करता ना? नहीं, सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंफर्म कीजिएगा, आई गेस सिंस 2009, मेरा नहीं ख्याल कि उसको, इट्स चेंज सिंस 2009, यस ओके जी अमीर हमजा, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब वो हाईएस्ट कोर्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पहला पॉइंट जी, बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कोई भी आ सकती हैं, आखिर कोई भी कोर्ट आ सकती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नाम नहीं लिखने अपने पेपर में, दुनिया में हर मुल्क के डिफरेंट नाम है। अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पहला फंक्शन, बेसिक फंक्शन ऑफ दी कोर्ट्स इज और जुडिशरी इज टू इंटरप्रेट डिफरेंट लॉज इफ देर इज एनी कंफ्यूजन। लॉज हो और उन पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको इंटरप्रेट करना बेसिकली जो काम है, दैट इज दी फंक्शन ऑफ जुडिशरी। इफ देर इज एनी फ्रेज यूज, इफ देर इज एनी पनिशमेंट दैट नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड, इफ देर इज एनी रिवार्ड दैट इज नीड टू बी पनिश, दैट इज नीड टू बी इंटरप्रेटेड। कोई भी लॉ का वर्ड है, फ्रेज है, एनी कॉन्टेक्स्ट है, एनीथिंग दैट लॉ हैज टू से कैन बी इंटरप्रेट। मैं इसको इसको आम जबान में कहते हैं, दी जुडिशरी इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द लॉ। लॉ क्या कहता है उसका स्पोक्स पर्सन जुडिशरी होती है। ठीक है, डिक्शनरी का लफ्ज यूज कर लें, बट स्पोक्स पर्सन का वर्ड मैं यूज करता हूं सर। बी, जो दूसरा पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। अच्छा जुडिशियल रिव्यू को भी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ही कहते हैं, बट मैं इसको डिफरेंट करूंगा।
जुडिशियल रिव्यू इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन. और पर्टिकुलर क्या है जुडिशियल रिव्यू, अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज. जुडिशरी हैज द पावर टू डिसाइड अपॉन द कंपेटिबिलिटी बिटवीन, इट हैज टू डिसाइड अपॉन द कंपेटिबिलिटी बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन. क्या एक लॉ जो बनाया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इज इट इन कंपेटिबिलिटी विद कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट. इफ इट इज इन कंपेटिबिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज केप्ट इंटैक्ट. बट इफ अ लॉ इज इनकम्पेटिबल विद कॉन्स्टिट्यूशन इट इज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, उसे खत्म कर दिया जाता. This authority is present in most of the states, not always, in most of the states. So judiciary can interpret ordinary laws and it can also interpret the laws in compatibility with the constitution, means judicial review. It can review whether a law is compatible with the constitution. If this law is compatible, this law stays, it remains alive. If this law contradicts the constitution, then courts have the power to declare the law illegal, jisko liye lafz hota hai ultra vires, khatam kar diya jata hai us law ko, scrap kar diya jata hai, dismiss kar diya jata hai. This power is called, this function is called judicial review, null and void, that's will be more appropriate. Acha iski example likhenge aap, aap mein se shayad ji. All type of laws are reviewed, जी चाहे वो ऑर्डिनेंस हो, लॉ हो, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो बाय लॉज हो, वो सारा कर लेते हैं. जी एग्जैक्टली अरवा, यस. इसके एग्जाम्पल लिखेंगे जी, अमेरिका के अंदर मेडिसिन वर्सेज मर्बरी केस, शबाज यहाँ पे नीचे लिख देंगे आपको. मेडिसिन वर्सेज मर्बरी केस है जिसमें जस्टिस मार्शल जो है वो ही वॉज द फर्स्ट वन इन द वर्ल्ड टू हैव एस्टैब्लिश द प्रेसिडेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिन्होंने पहली दफा किया था. डेट मुझे नहीं याद, 1800 समथिंग जो भी थी, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया गया था. सो थर्ड फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. One of the functions of judiciary is to ensure that fundamental rights are protected. One of the basic functions of judiciary is to make sure that fundamental rights of the people are protected. If, for example, an individual's rights are taken away by other person or by the governmental institutions, जी सर, वी कैन ऑल्सो कॉल जुडिशियल एक्टिविज्म टू. अच्छा, नाउ इफ द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर थ्रेटन्ड बाय अदर इंडिविजुअल्स, और इफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर थ्रेटन्ड बाय द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, इन एनी केस द जुडिशरी हैज द पावर टू एंश्योर दैट दोज इंडिविजुअल राइट्स रिमेन प्रोटेक्टेड. गनवा, इट इज कॉल्ड सुमोटो ओनली इन पाकिस्तान. पॉलिटिकल साइंस में ये लफ्ज यूज नहीं करेंगे, यू विल नॉट यूज दिस वर्ड हियर. अच्छा, नाउ यस, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट. नाउ फॉर दैट टू हैपन, इस मकसद के लिए ठिफ एक कॉन्सेप्ट है, रिट का कॉन्सेप्ट है. पांच रिट्स होती हैं, शबाज प्लीज करिएगा कंफर्म कीजिएगा, देयर आर फाइव रिट्स आई गेस. उसके लिए रिट्स होती हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए. सर्शरी, को वारंटो, मैंडमस, हैबस कॉर्पस, चार तो मुझे आती हैं, पांचवी भी कोई होती. थैंक यू मीर हमजा. यस, मैंडमस, सर्शरी, हैबस कॉर्पस, प्रोसीडेंटो ये नहीं पता था, प्रोहिबिटो भी नहीं पता था, को वारंटो सर. यस, थैंक यू मीर हमजा फॉर राइटिंग दिस वन.
ये छह वोट लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में आपको, लेकिन आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं इसको। तो जितनी ये डिफरेंट चीजें रेट्स लिखी हैं, दीज आर टेक्निक्स थ्रू विच, दीज आर दोज टेक्निक्स थ्रू विच जुडिशरी एनश्योर्स द फंडामेंटल राइट्स। पांच हैं, अच्छे हैं, ये आप देख लीजिएगा, बट इनमें से मैंडामस, सर्शरी, हैबिस कॉर्पस, कोवरेंटो तो मुझे कंफर्म है, बाकी दो का मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा इसके ऊपर। बट फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए इट इज एसेंशियल टू हैव द जुडिशरी रोल ओवर देयर। अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट और भी बड़ा इंपॉर्टेंट, समटाइम्स दीज फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, समटाइम्स दीज फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना वैसे ही इसका काम है, तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स भी इंश्योर करते हैं। बट इवन इफ फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी स्टिल हैज द पावर टू प्रोटेक्ट, वो उसका राइट होता है, पावर होती है। सो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स, अब वो कौन से राइट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो भी राइट्स हैं एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी, ये उसका काम होता है। डी, एडवाइस, इट इज द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी टू गिव एडवाइसेस टू द एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ऑन एनी इंपॉर्टेंट मैटर। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ये एडवाइस एग्जेक्टिव मांग भी सकता है, या अगर ना भी मांगे तो उसे मिल जाती है। सो इसकी कोई कंडीशन नहीं है। जुडिशरी कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइसेस टू एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ऑन एनी मैटर। दिस एडवाइजरी फंक्शन इज यूजली नॉट बाइंडिंग डिसीजंस, दे आर यूजली नॉट बाइंडिंग डिसीजंस, यह सिर्फ एक फंक्शन है, ऑर्डिनरी फंक्शन। लास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जुडिशरी एंड पर्टिकुलरली द हाइएस्ट रैंकिंग जुडिशरीज हैव सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टू, इट हैज टू परफॉर्म सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और उसे क्या मतलब है, इट सिंपली मीन्स that judiciary can make certain appointments, it has certain controls over transfers, hirings, financial, etc., etc. So judiciary ke kuch administrative powers bhi hoti hain, kuch administrative functions bhi hoti hain, jisme appointments, transfers, hirings, बजटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा आर इन्वॉल्व। सो ये पांच बेसिक फंक्शंस हैं जुडिशरी के, जी जो हम पढ़ रहे होते हैं, और भी किताबों में लिखे होते हैं, बट ये मेन पांच फंक्शंस हैं। चैरिटी कलेक्शन, डैम बनाना, वो पाकिस्तान में सारे आ जाएंगे सर। अच्छा, पहले कोई सवाल पूछना पूछें, फिर मैं ब्रेक देता हूँ आपको। लास्ट पॉइंट को रिपीट करता हूँ, जुडिशरी का काम है कुछ बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करना, लाइक ट्रांसफर्स ऑफ जजेस और क्लरिकल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, हायरिंग करना, इसी तरीके से काइंड ऑफ बजटिंग वगैरह करना, ये सारी उसकी काम। आयशा, क्लास इज स्टिल 8:30। ओके, एनी क्वेश्चंस? ब्रेक देते पहले क्वेश्चन तो ले लो। वीडियो वीडियो शवास हर एक में नहीं है, हर मुल्क में नहीं है, जनरलाइज नहीं है।